हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, बट आपका कोई रिस्पॉन्स था नहीं और मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो मैं उस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू नहीं रख पाई। लेकिन ठीक है, आप दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ देख रहे होंगे और आप भी कुछ देख रहे हो, तो सबसे पहले एक थॉट पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। जब आँखों में अरमान मान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो कुछ समझे इस चीज़ से आप लोग? तो मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता है हमारी लाइफ में, जब हमने ठान लिया है तो ठान लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपका सिलेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन बच्चों ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या फिर आप कोई भी प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे ना तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की लाइंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछना चाह रहा है, और क्वेश्चन को हमेशा टू टाइम्स रीड करना है, देन उसके बाद जब भी आप आंसर्स करते हो तो सबसे पहले आपको आंसर को बिल्कुल एक एक बार ही पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ बात कर रहा है एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ द फ्लूड इन इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस एंड सीरियस कैविटी। जब एबनॉर्मल और ज़्यादा फ्लूड कलेक्ट हो जाए इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर या फिर हमारी सीरियस कैविटी में, तो उसे क्या कहा जाता है? ओडिमा कहा जाता है, एसाइटिस कहा जाता है, अडाप्टेशन कहा जाता है, पैथोलॉजी कहा जाता है। तो हमारे माइंड में हमने हर चीज़ को पढ़ा हुआ है, थ्योरीज़ को हमने अच्छे से किया हुआ है और सारी की सारी टर्म्स हमें क्लियर हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ बोल रहा है आपका ओडिमा। ओडिमा क्या होता है? जब किसी सेल टिश्यू के अंदर, टिश्यू में क्या हो जाए, फ्लूड कलेक्शन हो जाए, है ना, फ्लूड कलेक्शन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा फ्लूड कलेक्शन इन टिश्यू, या फिर एसाइटिस की बात कर लेते हैं। एसाइटिस कंडीशन में क्या होता है? एसाइटिस कंडीशन थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है इसी की, है ना, जब किसी पेशेंट के कैविटी में क्या हो जाए, फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाए और उसको निकाला जाता है, आप लोग जानते हो फ्लूड एक्यूमुलेट, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, है ना। पहले ऑप्शन को देखते हैं, अडाप्टेशन। अडाप्टेशन किसी भी चीज में अडाप्ट कर लेना, अपनी किसी सिचुएशन को अडाप्ट कर लेना, तो अडाप्टेशन का मतलब तो अडाप्ट करना। ठीक है, तो बच्चों ये तो आंसर लग नहीं रहा होगा आप लोगों को, और अडाप्टेशन थ्योरी होती है, एक अडाप्टेशन थ्योरी होती है। वैसे मैं आपको बताऊं, अडाप्टेशन वर्ड आ गया है तो अडाप्टेशन थ्योरी के नाम से, तो जो ये दिया है ना रॉय, अडाप्टेशन थ्योरी आएगी इसके अंदर। अडाप्टेशन थ्योरी जो है वो दिया रॉय अडाप्टेशन ने, तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आता है। तो आंसर है पैथोलॉजी डी। पैथोलॉजी मतलब किसी भी डिजीज़ की जाँच करना, स्कैन करना, डायग्नोज करना कि पेशेंट को कैंसर है, पेशेंट को टीबी है, पेशेंट को स्टिमुलाइटिस है, पेशेंट को एक्स वाई जेड कोई भी कंडीशन है, तो डिजीज़ की स्टडी करना, डिजीज़ ऑफ स्टडी, डिजीज़ इन स्टडी। ठीक है, किसी भी डायग्नोज के पर्पज से, एंड पर्पज टू डायग्नोसिस, डायग्नोज के थ्रू किसी डिजीज़ को स्कैन करना, डिजीज़ को चेक करना, देखना, वो कहलाता है पैथोलॉजी। तो आंसर क्या लग रहा है? तो ऑप्शन ए जा रहा है हमारा, या तो हमारा ऑप्शन बी जा रहा है। इसने बोला है फ्लूड कलेक्ट हो गया है, एक्सेसिव एबनॉर्मल फ्लूड कलेक्ट हुआ है, कहाँ पे? सीरियस कैविटी में, मतलब लंग्स में, लंग्स की लाइनिंग जो बनी है, टिश्यू जो लंग्स की लाइनिंग है, और उसके सराउंडेड बाय क्या हो चुका है, फ्लूड एक्यूमुलेट हो गया, तो आंसर होगा बच्चों एसाइटिस। कंडीशन आएगी इसकी एसाइटिस, ठीक है, क्या आएगी, एसाइटिस कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में दो बार देखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मोस्ट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। कौन सी सेल है जो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव रहती है? देखो वैसे तो ऑलमोस्ट सेल्स है ना सारी सेंसिटिव ही रहती है, बात करें ना जितनी भी ऑलमोस्ट सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर सारी सेंसिटिव होती हैं, लेकिन एक एक सेल हमारी बॉडी के अंदर ऐसी है जिस उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना तो वो इमिडिएटली मर जाएगी, इमिडिएटली डेड हो जाएगा पेशेंट। तो वो सेल कौन सी है वो चेक करते हैं। कार्डियक सेल, कार्डिक सेल है, हिपेटिक सेल जो कि लीवर में होती है। कार्डिक सेल आपको पता है हमारे कहाँ है, सीवियर सिस्टम में, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में।
नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स आपको पता होता है कि नेफ्रॉन जो एक स्मॉलेस्ट फंक्शन ऑफ द यूनिट होती है किडनी की, ये हमारी किडनी की है, और नर्व सेल ये हमारी होती है ब्रेन की। तो सारी सेल इंपॉर्टेंट होगी, हेपेटिक सेल भी इंपॉर्टेंट है, हेपेटिक सेल फिल्ट्रेशन का काम करती है, रिब्जॉर्प्शन करती है, एक्सक्रीशन कराती है और एक्सक्रीशन भी करती है किडनी के अंदर, है ना, और सारे के सबको फिल्टर भी कराती है। कार्डिक सेल क्या होती है, कार्डिक सेल्स इन्वॉलेंट्री सेल्स होती हैं, इन्वॉलेंट्री सेल्स होते हैं जो हमारी इच्छा के बगैर काम करती हैं, अपने आप काम करती हैं, इनको पता है कि मैं काम नहीं करूँगा तो जो बंदा है जिसके अंदर प्रेजेंट टू मर जाएगा, है ना, तो ये अपना इन्वॉलेंट्री फंक्शन करती रहती हैं। और इनका स्ट्रक्चर देखो तो कैसा होता है, स्ट्रेटेड होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि आपको इन डीप पढ़ना है तो आप बता सकते हो, इन डीप भी हम मैं पढ़ा दूंगी आपको। तो हेपेटिक सेल्स जो है लीवर में प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स किडनी में, और नर्व सेल्स ब्रेन में। तो सबसे ज़्यादा बच्चों बेटर आंसर की बात करें तो नर्व सेल्स विद इन द 5 मिनट के अंदर पेशेंट डेड हो जाएगा, यदि नर्व सेल तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ ना, डज नॉट सप्लाई ऑक्सीजन इन टू द ब्रेन विद इन द 5 मिनट। यदि 5 मिनट के अंदर पेशेंट के बॉडी में सेल्स की कमी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो पेशेंट जो इमिडिएटली डेथ का कारण बन सकता है, मतलब डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। तो नर्व सेल्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन के। चेस्ट पेन ब्राउट माई बाय एम आई इज कोल्ड, क्या कहोगे, एनरिज्म कहोगे, एंजाइना पेक्टोरिस कहोगे, या चाइल्ड इफ्यूजन कहोगे, या हीमोपेरिकार्डियम कहोगे। तो भाई क्वेश्चन को देखते ही ना समझ आ रहा होगा कि आंसर तो हमें पता है, आप सबको भी लग रहा होगा। एनरिज्म होता है जब हमारी आर्टरीज कैसे हो जाएं, डायलेट हो जाएं, डायलेशन ऑफ द आर्टरी, है ना, आर्टरी डायलेशन। एंजाइना पेक्टोरिस सीरियस चेस्ट पेन, इसको वो कहते हैं हम सीरियस चेस्ट पेन, के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या देखने को मिलता है, तो चेस्ट पेन देखने को मिलता है, है ना। चाइल्ड इफ्यूजन मतलब लिम्फ का जो लिम्फ फ्लूइड होता है ना आपका, जो कि मिल्की कलर का होता है, मिल्की कलर होता आता है इसका, उसका इफ्यूजन हो रहा है। एंड हीमोपेरिकार्डियम, तो भाई हीमोपेरिकार्डियम तो आंसर नहीं है हमारा, तो आंसर जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर नंबर बी, एंजाइना पेक्टोरिस। तो आंसर बी जिस जिस बच्चे ने किया ना वो बिल्कुल सही आंसर किया है, एंजाइना पेक्टोरिस इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रीड करते हैं, आगे चलते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द बोन इज, क्या कहते हैं बोन के इन्फेक्शन को, ऑस्टियोमलेशिया, या फिर आप कहोगे ऑस्टियोमलाइटिस, या फिर आप कहोगे ऑस्टियोसाइटोसिस, या ऑस्टियोसाइट। अब इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप देखोगे तो आप सबको पता ही होगा कि हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन बोन का इन्फेक्शन बोला है, तो बच्चों बोन का इन्फेक्शन बोलते हैं किसको, ऑस्टियोमलाइटिस को, क्योंकि आपको पता है जहाँ भी मलाइटिस वर्ड आ जाता है ना, मलाइटिस, तो ये हमेशा इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, मलाइटस हमेशा इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ऑस्टियोमलाइटिस बोन का इन्फेक्शन होता है, किसी बोन के जब कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो डायरेक्टली बोन में इन्फेक्शन इन्वेड कर जाता है, और कौन सा इन्फेक्शन जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी तो पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो है बोन में इन्वेड कर जाता है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो बोन कैसे हो जाती है, वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, अपने आप टूटने लग जाती है, उसको बोलती है ऑस्टियोमलेशिया, है ना। तो ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोसाइटोसिस ये तो बिल्कुल भी हमारा ऑप्शन नहीं था, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर नंबर बी। अब पूछा एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोकोंड्रोमा है, ऑस्टियोक्लास्ट है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो एक्सोसाइटोसिस बोला है। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है क्या, ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द बोन, बोन का फॉर्मेशन जब होता है। ऑस्टियोकोंड्रोमा ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक है। अब तीन ऑप्शन बचे, ऑस्टियोकोंड्रोमा का मतलब होता है जब बोन ओवरग्रोथ करनी शुरू कर जाए, जब बोन्स का ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, बढ़नी शुरू हो जाए हमारी, कहाँ से, नियर बाय ग्रोथ प्लेट, नियर बाय ग्रोथ प्लेट, नियर बाय ग्रोथ प्लेट, जब ग्रोथ प्लेट के आसपास हमारी बोन बढ़नी शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोकोंड्रोमा। ऑस्टियोक्लास्ट रिमॉडलिंग हो जाना, टूट जाना, किसका, बोन का, रिमॉडलिंग ऑफ बोन। और ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लामेशन जब प्रेजेंट हो जाती है पेशेंट को, है ना, तो वही बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस।
या पैरों की मतलब बोन्स की अर्थराइटिस या फिर जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन, उसको बोलते थे अर्थराइटिस कंडीशन। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओस्टियोकोंड्रोमा, मतलब जब किसी बोन के आसपास जो ग्रोथ प्लेट है वहाँ के जो नियर बाय जो हमारी बोन है वो बढ़ रही है, तो उसको क्या बोल सकते हो आप, एक्सोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे ना, अभी इजी है, आगे आएंगे क्वेश्चन थोड़े से टफ टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ओस्टियोफाइल्स कोज पेन एंड डिफिकल्ट इन ज्वाइंट मूवमेंट व्हेन दे अकर एज अ डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट दिस इज कॉल्ड। क्वेश्चन का बच्चों ये कहना है जब कोई पेशेंट ज्वाइंट मूवमेंट करता है डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट के अंदर जैसे, तो वहाँ पे पेन होता है पेशेंट को, तो उसे क्या कहते हैं, कौन सी नोड कहते हैं, ज़ाइलेल होड बोलते हो, हैब्रिडन नोड बोलते हो, कॉर्टिनल नोड बोलते हो या एवर्जन नोड बोलते हो। तो आप सबको पता होगा कि हम लोग क्या बोलते हैं, हैब्रिडन नोड्स कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊंगी। ये जो होते हैं ना है बच्चों आगे वाले जो प्रेजेंट है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल हमारे जो इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट प्रेजेंट है, जो नेल्स है इसके बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, इसको बोल रहे हैं, यहाँ पे नोड्स बनी है इसको बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हैब्रिडन नोड्स बोल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इसको बोल रहे हैं हम हैब्रिडन नोड्स। अब जो नीचे आ गए उसको बोलते हैं बाउचर्ड नोड्स। दोनों नोड्स का पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि हैब्रिडन नोड्स जो है वो अपर पार्ट पे प्रेजेंट होती है फिर लोअर पे, तो हमेशा एचपी से याद रखना है आपको अपर, ठीक है। बाउचर्ड का है वो डिस्टल वाले पे है, लोअर वाले पे है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो है नीचे होती है हैबिडन नोड्स जो है वो ऊपर होती है, तो कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर आपको, ये नीचे दे देगा आपको हैबिडन नोड्स के बारे में पूछ लेगा कि कौन सी नोड्स है कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये वाली कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, ये अपर पार्ट पे प्रेजेंट है, ये जो है हमारा अपर वाला जो है ना एरिया इस पे प्रेजेंट है, और हमारी जो बाउचर्ड नोड होती है वो बच्चों नीचे होती है, ठीक है, नीचे होती है हमारी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट में पेन हो पेशेंट को मूवमेंट करते टाइम पे तो उसे बोलते हैं हैबिडन नोड्स, है ना। चलिए अब आपको ये बताना है ये जो हैबिडन नोड्स होती हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, कौन सी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होती है, तो कंडीशन आप लोग मुझे बताओगे, कंडीशन कौन सी कंडीशन, और कमेंट करोगे बताओगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको और चाहिए क्या, कंटिन्यूसली हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट पायोजेनिक ओस्टियोमलाइटिस एक्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी किसी पेशेंट को ओस्टियोमलाइटिस डेवलप होता है तो उसका कौन सा कोज नहीं है, इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलाई या कैंडिडास। तो ये जब भी किसी पेशेंट को बोन का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है ना, तो इकोलाई भी प्रेजेंट होता है बच्चों, स्टेफाइलोकोकस सबसे ज़्यादा स्टेफाइलोकोकस होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है मोस्ट कॉमन। वैसे माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई टीबी के अंदर होता है, लेकिन फिर भी यदि हम माने तो 2-5% यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन इसने पूछा कौन सा बिल्कुल ही नहीं होता है। तो बच्चों ये जो लिखा है ना अपने कैंडिडा, कैंडिडाज एक फंगल इन्फेक्शन होता है, कैसा इन्फेक्शन होता है, ये हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है, और ये जो है ना मैक्सिमम कहाँ ग्रो करता है, ये शुगर मीडियम जो होता है ना, जो मीठा चीज़ें होती है ना वहाँ ग्रो करता है, शुगर मीडियम में ये ग्रो करता है, ये क्वेश्चन आता है शुगर मीडियम में ये ग्रो करता है, और सबसे ज़्यादा ये कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। जब भी कोई पेशेंट आपका DI का हो या फिर DM का हो, मतलब ज़्यादा तो डायबिटिक मेलिटस वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, शुगर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ओरल फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो कैनेडा हो, कैनेडा इन्फेक्शन है कि इन पेशेंट में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, तो जहाँ पे शुगर ही हाई मीडियम, जो शुगर मीडियम में ग्रो करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फिर डायबिटिक मेलिटस, क्योंकि वहाँ पे शुगर जो है ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी में बहुत रीज है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ग्रो करता है, ओरल का इन्फेक्शन कोज कराता है, ओरल कैनेडा या ओरल इन्फेक्शन भी बोल देते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। तो इकोलाई सबसे ज़्यादा UTI कोस कराता है, ये आपको पता होगा, इकोलाई UTI 80% पेशेंट्स के अंदर जो है ये UTI कोस कराता है, इकोलाई बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस ये हमारा आपका पेरिकार्डाइटिस है, मतलब कोई भी आपकी जो हार्ट की कंडीशंस है, तीन कंडीशंस आते हैं जिसमें लेयर्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस के अंदर बच्चों यही हमारा देखने को मिल जाता है, और ये बहुत सारे इन्फेक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टेफाइलोकोकस बहुत सारे इन्फेक्शन को कोज करता है। और MI जो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, MT बोल सकते हैं, फिर MBT भी बोल सकते हैं इसको, ये स्पेशली आपको आप जानते हो किसका बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन जो है ना ये देखने को मिला है एम्स के अंदर, ठीक है, 2021 का।
मॉर्निंग शिफ्ट का, कि न्यू एंड अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है टिश्यू की इन अ पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली एज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर इज नोन एज. जब भी कोई न्यू और एबनॉर्मल ग्रोथ होना किसी टिश्यू का बॉडी पार्ट के अंदर, स्पेशली कैंसर सेल्स की बात कर रहा है, उसे क्या कहोगे? न्यूप्लाज्म कहोगे, मेटास्टेसिस कहोगे, या फिर हेमेटोलॉजी कहोगे, या फिर नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा न्यूप्लाज्म. जब भी न्यू और एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, न्यू और एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ना बच्चों, तो याद रखना उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है. मेटास्टेसिस तो वो होता है जो एक ऑर्गन से वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन में शिफ्ट हो जाए कैंसर, उसको बोलते हैं. हेमेटोलॉजी मतलब कि ब्लड, किसकी ब्लड, जो हमारे जो भी हमारे ब्लड टाइप्स होते हैं, या फिर आपकी बात करें ब्लड टाइप कंडीशंस की बात करें, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करें, है ना. तो हीमेटोलॉजी मतलब जहाँ पे हम ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो. लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, ही मतलब होता है ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट्स की स्टडी करने को ही कहते हो आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन. ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ए बी ओ या ए बी. तो आप सब लोग जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए. इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 10. सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द पेरिकार्डियल सैक इज नोन एज. क्या कहोगे? सर्जिकल ओपनिंग हो रही पेरिकार्डियल सैक इज नोन एज अर्थ्रोस्कोलोसिस, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, या फिर सीरियोसेंजेनियस, या एंडोकार्डाइटिस. तो आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर का पता ही होगा, ठीक है. हम लोग डिस्कशन करते हैं. अर्थ्रोस्कोलोसिस क्या होता है? हमारी जितने भी वेन्स होती है वो हार्ड हो जाती है, वेन हार्ड हो जाती है. क्यों हार्ड हो जाती है? या तो उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, या उनमें फैट जमा हो गया, बात वही है, ट्राइग्लिसराइड जमा हो गया, कुछ भी जमा हो गया, तो वही यहाँ पे पेशेंट को अर्थ्रोस्कोलोसिस देखने को मिलता है ना. तो ये अर्थ्रोस्कोलोसिस बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है, बहुत सारी बीमारी कराता भी है. जैसे क्या करा देगा? कंजस्टिव हार्ट फेल करा देगा, एमआई करा देगा, है ना, एंजाइना करा देगा. तो ये सारी कंडीशन करा सकता है. पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ये भी आपको पता होगा, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, है ना, फ्लूइड को बाहर निकालना, पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर रहे हो आप लोग, है ना. उसके बाद है सेरोसेंजिनियस फ्लूइड. बच्चों फ्लूइड जो होते हैं ना, ये हमारे ना फ्लूइड के टाइप्स होते हैं 4. फ्लूइड की बात करूँ तो मैं, जो जब भी किसी पेशेंट की बॉडी में इंजरी होती है तो उसके बाद हमारे, या फिर कोई सर्जरी होती है, तो 4 टाइप्स के फ्लूइड देखने को मिलते हैं. सबसे पहला होता है बच्चों सीरियस फ्लूइड. सीरियस फ्लूइड जो कि नॉर्मल जो है कैसा होता है, नॉर्मल कलर होता है, जैसे आपका वाटर कलर होता है, नॉर्मल कलर देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है. फिर आता है आपका सेंगेनियस फ्लूइड, जिसके अंदर क्या होता है आपका पूरा ब्लडी कलर होता है, या फिर मैं कहूँ रेड कलर होता है. जब हमारी कोई वेसल स्ट्रक्चर होती है आफ्टर इंजरी, तो ऐसा जो है फ्लूइड देखने मिलता है, उसको बोलते हैं सेंजीनियस फ्लूइड. अब जो 3rd नंबर का इस ऑप्शन ने दिया है, सीरो, सीरो आगे वर्ड लग गया है, आगे लिखा है सेंजीनियस, ठीक है, सीरो सेंगेनियस ब्लड. इसमें ना बच्चों मिक्स ब्लड होता है. मिक्स की बात करूँ तो मैं, एक तो ब्लड हो गया आपका ब्लड प्लस में फ्लूइड, दोनों ही मिक्स होते हैं. होता है पुरुलेंट फ्लूइड, या फिर पुरुलेंट फ्लूड भी बोल सकते हो आप, पुरुलेंट फ्लूड, या फिर पुरुलेंट आपका, हाँ पुरुलेंट फ्लूड भी आप लोग बोल सकते हो. तो यहाँ पे पस फॉर्मेशन जहाँ किसी बॉडी में होती है ना, पस फॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं पुरुलेंट फ्लूड. मतलब ऐसा पस कंटेनिंग सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं पुरुलेंट फ्लूड. तो 4 टाइप का है, 3rd पूछा है, तो बच्चों ये तो आंसर नहीं होगा. एंडोकार्डाइटिस क्या होती है? एंडोकार्डाइटिस हमारी हर्ट की 3rd लेयर होती है, और मतलब, और यह इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस. एंडोकार्डाइटिस इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाएंगे आपको, एंडोकार्डाइटिस क्या होता है क्या नहीं होता है, और हार्ट की जो 3rd लेयर होती है यदि वो इन्फेक्टेड हो जाए तो एंडोकार्डाइटिस होता है. क्यों क्यों होता है? जब कोई पेशेंट डेंटल सर्जरी करवा लेता है, कोई आईवी प्रोसीजर ले रहा है, तब हो सकती है एंडोकार्डाइटिस. और किसी पेशेंट को ओपन हार्ट इंजरी हो गई है, या फिर किसी पेशेंट ने पेसमेकर डलवा लिया, तब भी हो सकता है. तो बहुत सारी कंडीशंस पड़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, या आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, ठीक है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बच्चों बी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर फ्यूचर ऑफ ड्यूडनल अल्सर एक्सेप्ट. कौन सा फीचर ड्यूडनल अल्सर को लाई नहीं करता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है. एक्सेप्ट का मतलब होता है ना के बराबर, या फिर ना होना, उस चीज का प्रेजेंट ही ना होना. तो डीप टेंडरनेस हो रही है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर.
देखो ड्यूडनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले इंडिया के अंदर, वैसे तो एक हमारा इसोफेजियल अल्सर भी होता है, लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा मिलता है ड्यूडनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। लेकिन जो इसने बोला है कौन सा ड्यूडनल अल्सर में नहीं होता है, डीप टेंडरनेस होती है राइट हाइपोकेंड्रिक रीजन में बिल्कुल हो सकती है राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है एसिड देखने को मिलता है, इसीलिए बिल्कुल आंसर भी बिल्कुल है एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो मोस्ट कॉमन कोज होता है, और आंसर सी कह रहा है नाइट पेन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, पेशेंट को ना नाइट में पेन होता है, खाना खाने के बाद इस कंडीशन में पेन बिल्कुल अपने आप रिजोल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है। वोमिटिंग का भी कॉमन नहीं होती बच्चों, नोजिया फील रहता है, वोमिटिंग कॉमन नहीं होती है, वोमिटिंग कॉमन लिखा है, वोमिटिंग कॉमन नहीं होती, वोमिटिंग रेयर देखने को मिलती है इस कंडीशन में, तो आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि आपको और डीप पढ़ना है तो फिर हम कमेंट करना है, यदि आपको और ज़्यादा डीप जानना है कि ड्यूडनल अल्सर के बारे में ऐसा क्या होता है, पेशेंट को नाइट में पेन क्यों होता है, गैस्ट्रिक अल्सर ऐसा क्यों होता है कि उसको जो है कंडीशंस जो है उसकी थोड़ी ज़्यादा वर्स हो जाती है, उसको ट्रीट नहीं किया गया, वो प्रोफ्रेट भी जाते हैं, तो ये सब चीज़ें, या फिर लेज़र कर्वेचर पे होता है, फिर ग्रेटर कर्वेचर पे होता है, ये सब हम आपको डीप पढ़ना है तो आप कमेंट ज़रूर करना, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी लेके आऊँगी इसी तरीके से फुली एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी मोस्ट क्या लिखा है, पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन इज नोन एज, मतलब जब भी किसी पेशेंट का पोस्ट मॉर्टम होता है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो पेशेंट की डेथ के बाद जब भी हम पेशेंट का पोस्ट मॉर्टम करते हैं तो वो एग्जामिनेशन क्या कहलाता है, ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी या ए एंड बी, नन ऑफ द अबो। तो बच्चों आंसर डी तो नहीं है, जब भी यहाँ पे ना तो इसने एडल्ट का दिया, ना इसने किसका दिया, एनिमल्स का दिया, कुछ नहीं बोला इसने, सिर्फ ये बोला है पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन इज नोन एज, तो ऑटोप्सी भी कहते हैं, नेक्रोप्सी भी कहते हैं। ऑटोप्सी बच्चों एडल्ट की, यदि हम किसी पेशेंट के मर जाने के बाद या किसी इंसान के मर जाने के बाद यदि सर्जिकल मेथड से है ना, या सर्जिकल मैनर से उस कंडीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं पोस्ट मॉर्टम, जो कि एडल्ट में होता है, और नेक्रोप्सी बोलते हैं बच्चों जब जो एनिमल्स में होती है, जब कोई एनिमल मर जाता है उसके बाद जो हम पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन करते हैं कि क्यों मरा है, ये क्या कोज रहा है इसके पीछे, उसका कोज आइडेंटिफाई करते हैं, उसका कोज डिटरमाइन करते हैं उसकी वजह से, तो आंसर बी भी सही है, बट हम इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और बी, तो आंसर ए और बी होगा 100% सही आंसर, ठीक है, ये हमारा एनिमल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 13 नंबर, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स अल्टीमेटली लीडिंग टू इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड, जब किसी की बॉडी में ऑर्गन का साइज बढ़ता जाए उसे क्या कहते हो, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, तो क्या कहोगे, हाइपरट्रॉफी कहोगे। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, यदि आपने एग्जाम अटेम्प्ट किए हों तो कितने ज़्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हाइपरट्रॉफी है ना, मेटाप्लेजिया नहीं है, हाइपरप्लेजिया भी नहीं है भाई, और एट्रॉफी होता है मतलब कि जिसमें सेल का साइज, सेल श्रिंक हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है, सेल श्रिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैप स्मियर इज यूज फॉर, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, जो कि एम्स का मैं कहूँ तो हर बार ही फेवरेट रहता है, पैप स्मियर क्यों यूज़ करते हैं, लैरिंजल कैंसर में नहीं करते, ओवेरियन कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर में, ओरल कैंसर में, तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सर्वाइकल कैंसर में, जो सर्विस का कैंसर होता है ना वहाँ हमें ये पैप स्मियर करवाना होता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस, जब भी किसी पेशेंट को मेटास्टेसिस होता है तो कौन सी कॉमन साइट में मेटास्टेसिस होता है, लीवर में, स्टमक में, लंग्स में, यूरेथ्रा में, तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो मेटास्टेसिस होता है वो होता है लीवर में। मेटास्टेसिस मतलब इतना जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो रही है सेल्स हमारी, जो अब नॉर्मल सेल्स हैं वो इतनी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो रही है, उस कहाँ पे होंगी, उस सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी वो लीवर के अंदर होते हैं, स्टमक, लंग, यूरेथ्रा में नहीं होती, तो इस चीज़ को याद रखना बच्चों, लीवर में देखने को मिलती है। तो आज का टॉपिक मुझे लग रहा है ये ख़त्म हो गया यहीं पे, ये इतने ही क्वेश्चन, हाँ 16 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं, आगे की क्लास में और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पुट करना है, तो वो क्वेश्चन आई थिंक मैं भूल गई थी पूछना, हाँ जी, हिपैटिक जो सेल्स होती है ना, जो लीवर के अंदर हिपैटिक सेल्स होती हैं उनका कलर कैसा होता है, ठीक है, सेल कलर बताना है आपको, बस सेल कलर बताना है, कौन सा कलर यहाँ पे होता है सेल का, जो कि हमारी हिपैटिक सेल्स लीवर में प्रेजेंट होती हैं, इनका कलर बताना है, कलर कोडिंग रेड है, ग्रीन है, ब्राउन है, येलो है, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स के अंदर और बताना, वीडियो आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी चाहिए विद एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो बताना, हम मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो कंटिन्यूसली लेके आती रहूँगी। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।